इस मॉड्यूल के अंदर हम बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे इससे पहले मॉड्यूल के अंदर हमने टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के बारे में देखा टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के बारे में हमने देखा कि इसके अंदर जो सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं यानी वो मार्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं लेकिन जो टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट था इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ जैसे कि सिबलिंग स्पीशीज़ अगर हम सिबलिंग स्पीशीज की बात करें तो सिबलिंग स्पीशीज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती हैं लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं तो टाइपलॉजिकल स्पीशीज के मुताबिक जो सेम स्पीशीज़ होती हैं जो देखने में एक जैसी होती हैं उनको हम डिफरेंट स्पीशीज के इस सेम स्पीशीज के अंदर रखते हैं लेकिन सिबलिंग स्पीशीज़ तो देखने में एक जैसी होती हैं लेकिन इसके बावजूद वो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं तो इसी तरीके से क्रिप्टिक स्पीशीज़ या जोग्राफिकल वेरिएशन्स जो होती हैं उसको टाइपोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता जबकि बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं पहली बात ये कि इसके मुताबिक एक स्पीशीज़ के मेंबर्स जो होते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं दूसरी बात एक स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं उसके बाद थर्ड इंटरब्रीडिंग के बाद ये जो ऑस्ट्रिंग प्रोड्यूस करते हैं वो भी फर्टाइल होते हैं तो अगर एक स्पीशीज इन तमाम करेक्टर्स को पूरा करती है यानी वो एक जैसे भी हैं वो आपस में इंटरब्रीड भी करते हैं उसके अलावा ऑस्ट्रिंग भी प्रोड्यूस करते हैं और उनके ऑस्ट्रिन भी फर्टाइल होते हैं तो उस सूरत में वो बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक स्पीशीज कहलाएंगे एक स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीडिंग की वजह से एक स्पीशीज की जो इंटेग्रिटी है वो मेंटेन रहती है बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट हमें ये भी बताता है कि एक स्पीशीज के मेंबर्स आपस में रिजेंबल क्यों करते हैं इस वजह से करते हैं क्योंकि एक स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं वो आपस में ही इंटरब्रीड करते हैं वो आपस में ही जीन्स को शेयर करते हैं दो जब वो ब्रीड करते हैं तो उनका जो जीन पूल है वो सफल होता है लेकिन वो अपना जो जीन है पूल है वो किसी दूसरी स्पीशीज के मेंबर्स के साथ शेयर नहीं करते वो प्रोटेक्टेड जीन पूल है इसी वजह से एक स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं वो आपस में रिजेंबल करते हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक जो स्पीशीज है वो इकोलॉजिकल यूनिट बनाती है इकोलॉजिकल यूनिट से क्या है कि के के एक मेंबर आपस में थोड़ी बहुत डिफरेंट होते हैं लेकिन एज ए ग्रुप वो एक यूनिट के तौर पर बिहेव करते हैं वो इकोलॉजिकल यूनिट बनाते हैं वो एक ग्रुप की फॉर्म के अंदर एक यूनिट की फॉर्म के अंदर आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और दूसरे इन्वायरमेंटल जो कंपोनेंट्स हैं उसके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं इसी तरीके से एक स्पीशीज के मेंबर रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाते हैं यानी एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सकें लेकिन ये किसी दूसरी स्पीशीज के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पाते क्योंकि अगर ये किसी दूसरे स्पीशीज के साथ इंटरब्रीड करेंगे भी तो उससे जो असुस पैदा होंगे वो फर्टाइल नहीं होंगे जिससे जो स्पीशीज की डेफिनेशन है वो पूरी नहीं होगी इसी तरीके से एक स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं वो जेनेटिक यूनिट बनाते हैं जेनेटिक यूनिट से क्या मुराद है कि एक स्पीशीज जो है वो एक प्रोटेक्टिव जीन पूल है जीन पूल से क्या मुराद है जीन पूल से मुराद है कि टोटल ऑफ ऑल जीन्स विच आर प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज अब एक जो इंडिविजुअल होता है वो इस जीन पूल का एक थोड़ा सा हिस्सा अपने अंदर रखता है लेकिन जब हम तमाम के जीन्स को कंबाइन करते हैं तो वो एक कंबाइन जीन पूल बनता है अब एक जीन पूल के अंदर क्योंकि एक स्पीशीज के मेंबर आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो ये जीन पूल शफल होता रहता है जिससे वेरिएबिलिटी पैदा होती है लेकिन क्योंकि एक स्पीशीज़ के मेंबर सिर्फ आपस में ही इंटरब्रीड करते हैं वो किसी दूसरे स्पीशीज़ के मेंबर्स के साथ इंटरब्रीड नहीं करते इस वजह से एक स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं उनमें रिजेंबलेंस मौजूद होती है उनके करैक्टर्स एक जैसे होते हैं लेकिन क्योंकि वो अपना जीन पूल किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करते इस वजह से कुछ यूनिक करैक्टर्स जो उनके अंदर मौजूद हैं वो किसी दूसरी स्पीशीज़ के अंदर मौजूद नहीं हो सकते